पावटा साहिब में हाल ही में हुए वीडियो वायरल में वाहन चालकों ने पुलिस के 3 कर्मचारियों को 700 रुपए पर वाहन रिश्वत देने की बात कही थी। यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। वहीं माइनिंग ऑफिसर अपने बयानों में बताया था कि उत्तराखंड के पुलिस खनन कर रहे वाहनों से 700 रुपए पर वाहन लेते हैं, इस पर उचित कार्यवाही होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष अश्विन सीधे तौर पर सिरमौर पुलिस प्रशासन पर गंभीरता से कार्यवाही न करने के आरोप लगाए हैं। पोंटा में खनन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, इस पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन सख्ती से कार्यवाही नहीं कर रहा। साथ में उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप भी पुलिस प्रशासन पर लगाया था। उत्तराखंड पुलिस जांच में डीएसपी विकास नगर भूपेंद्र सिंह धोनी ने मीडिया के समक्ष खुलासा करते हुए बताया कि हिमाचल पुलिस ने भ्रष्टाचार की गाज उत्तराखंड पुलिस के सिर मढ़ती थी और ऐसे में हिमाचल पुलिस ने उत्तराखंड पुलिस के बड़े अधिकारी को पत्र लिखकर सूचित भी किया था, जिसमें जांच स्वाभाविक थी। उन्होंने बताया कि मैंने खुद जांच की वीडियो देखी और निष्पक्ष जांच की गई, जिसमें जो लोग थे वह ढकरानी के निवासी हैं और हिमाचल में काम करते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि मोबाइल कॉल डिटेल्स भी निकाली गई है, जिसमें एक बार नहीं कई मर्तबा सिंघापुर चौकी के लोग इन लोगों के संपर्क में थे। और अपने अपने बयान में हिरासत में लिए गए तीनों लोगों ने बताया कि वे एक ट्रक से 700 रुपए मिलते थे, जिसमें 200 रुपए रेता बजरी के ढेरी लगाने के लिए होते थे और 500 रुपए सिंघपुरा चौकी में दिए जाते थे। कितने पैसे लेते हैं पुलिस वाले? क्या कहते हैं? हाँ जी, हम जो पुलिस वाले क्या कहते हैं, हम तो मारवा नहीं छोड़े, 700 पूरे जेल में रह चक्कर में, हर चक्कर पर 700। हालांकि भाई जी, नहीं तो कॉपी में एंट्री उंट्री तो कराया करो, तुम क्या करते हैं, कितने कितने हर चक्कर में कितने चक्कर लगाते हो तुम? एक बस कर दो गाड़ी भरी जो हमने, दो भरी हमने, एक इससे पहला भरी वो तो जा रही हो नहीं, डेली 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 कितनी गाड़ी भरते हैं? ये तो लेवर वाला, दो चक्कर लगाते हैं ना, दो गाड़ी भरते हैं ना, तो 700 रुपए गाड़ी देते हैं? 700 रुपए किसी को भरते हैं नहीं, गोपाल लेता है पुलिस वाले के नाम पे, गोपाल वही है मगर वो खालीदार है कुरियान, तीनों वही मौके मौजूद है। तो भाई ऐसा है ना, नंबर दे दिया उनका, नंबर खालिद का नंबर फोन मेरा वाला किसी जी इसमें में, जब से जयराम जी की सरकार बनी है हिमाचल प्रदेश में पोंटा में हर रोज नए नए भ्रष्टाचार के वीडियो वायरल हो रहे हैं। अभी जो ताज़ा वीडियो एक अधिकारी द्वारा ट्रक ड्राइवर का बनाया गया है, उसमें ड्राइवर 3 आदमियों के नाम ले रहा है कि वो प्रति चक्कर 700 रुपये पे करते हैं, तब ये अवैध माइनिंग करते हैं। उन लोगों के उसने नाम दिए हैं, उनके मोबाइल नंबर दिए हैं, आज तक उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई सरकार द्वारा की गई है? हमारा कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट आरोप है कि यहाँ के भाजपा के विधायक और यहाँ की सरकार के संरक्षण में ये माफिया राज फल फूल रहा है। जब उस ट्रक ड्राइवर ने नाम भी दिया है, मोबाइल नंबर भी दिए हैं, तो उसमें उनको इन्वेस्टिगेट किया गया नहीं किया गया, उनसे पता करें वो कौन लोग हैं, क्या वो पुलिस के लोग हैं, या पुलिस के नाम पर कोई और उनकी वसूली अवैध वसूली हो रही है, अगर हो रही है तो किस स्तर पर हो रही है, वो कौन कौन वो पैसा खा रहा है। इसी तरह एमसी में जब वाइस चेयरमैन और पूर्व चेयरमैन के पति का रिश्वत कांड का वीडियो वायरल हुआ, उसमें सफाई कर्मचारी जो सफाई ठेकेदार था उसने स्पष्ट कहा था कि मैंने जो सफाई पर्यवेक्षक एमसी में है उसका हिस्सा उसको दे दिया गया है, उस पर आज तक सरकार ने क्या कार्रवाई की? बीजेपी सरकार बोलती है जीरो टॉलरेंस, इनका जीरो टॉलरेंस का मतलब यह है कि बिना भ्रष्टाचार के कोई काम नहीं। विस्तृत जाँच तैयार करी है और हम इसकी जांच जो है अपने एसएसपी महोदय और डीआईजी महोदय इनको हम भेज रहे हैं, और बिल्कुल जांच से स्पष्ट है कि ये जो आरोप लगाए गए थे उत्तराखंड पुलिस द्वारा खनन कराया जा रहा है, गलत आरोप है। रहने वाले वो जरूर इस क्षेत्र के हैं, लेकिन खनन पोंटा क्षेत्र में सॉरी जो अपना सिंहपुरा के नीचे वहाँ हो रहा था, और मिली भगत भी और संलिप्तता भी सिंहपुरा पुलिस की आई है।